With the culmination of the DTC elections in Valley, we got with us National General Secretary BJP Tarun Chugh with us. Sir, first of all, welcome. So I would like to know from you, since post DTC elections, this is a kind of, you know, new terminology for the people in the Valley. People are waiting for the conventional electoral process. So when is it going to start in the Valley? Pipeline mein hai, jaldi pura hoga. और ये परिसमन होना है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस पर निर्णय लेने वाला है. उनका निर्णय आने दीजिए, सरकार उसके बाद काम करेगी. So, I would like to ask you one more question about the recent developments happening at the LAC. There have been disengagements. Just early in the morning, there was a statement by the Rajnath Singh that there have been disengagements. So, how do you see the disengagements happening at the LAC? चिंता मत करिए, देश सुरक्षित हाथों में है. पूरे देश को रक्षा के लिए सेना भी है और सेना के पीछे पॉलिटिकल विल भी है. देश के ऊपर आंच नहीं आने दीजिए. Sir, before I wrap up, I would like to ask you one more question about the recent developments. Like, you know, you talked about the manifestation, which you just mentioned a moment ago. One second, you mentioned about the mainstream political parties, they've been scattered. So how do you see the electoral prospectus in the Valley when you talk about the mainstream political parties are scattered? ऐसा है कि आप इस बात को इस ढंग से लीजिए कि जहाँ 500 वोट, 600 वोट, 700 वोट पड़ने पे लोग विधायक बनते थे, बायकाट होता था, आज उस 10 जिलों में 9 लाख लोग, और मैंने आपकी स्क्रीन पर देखा 80-80 साल के, 60-60 के लोग जिन्होंने ज़िंदगी में पहली बार वोट किया और दिल खोल कर वोट किया है और अपने लिए नेता चुना है, और उन 9 लाख में से 5 लाख लोगों ने गुपकार गठबंधन के खिलाफ वोट किया. ये एक नई सुबह है. लोगों को वो पुरानी जिनके ऊपर यहाँ के विकास के बाधा के रूप हैं, भ्रष्टाचार के लोग, उस लीडरशिप से छुटकारा चाहते हैं. सो व्हाट इज द यूनियन गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग इफ वी टॉक अबाउट द रिवाइवल ऑफ द टूरिज्म इन द वैली? व्हाट आर द प्रोग्राम्स? हमने आतंकवाद को धक्का दिया है. अब यहाँ टेररिज्म नहीं, टूरिज्म चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, लोगों के हाथ में रोजगार चाहिए, यहाँ का विकास चाहिए. हम मेट्रो लेके आ रहे हैं, श्रीनगर में भी मेट्रो आएगा, जम्मू में भी मेट्रो आएगा. या अब शहरों को बढ़ना है, सुंदर दिखना है, विकास की ओर जाना है. और मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का, जितने इस विंटर में भी यहाँ टूरिज्म की एक बहुत भारी मात्रा में टूरिज्म आया है, और ये आगे आएगा, बढ़ेगा, और ये शांति, ये खुशहाली की ओर लेके जाएगा. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. तो इतने नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी, जिनका ये कहना है कि टूरिज्म के हवाले से आगे जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स होने वाले हैं, और कश्मीर में बिलखसूस अगर हम बात करें वादी कश्मीर की, तो यहाँ पर टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए कई सारे प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जाएगा.